आप देख रहे हैं सिटी टीवी 24 न्यूज। आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने की मीटिंग। दिल्ली बॉर्डर पर सन 2022 में आगामी चुनाव लड़ेगी पार्टी। जिला बदायूं में बृहस्पतिवार को विधानसभा सहसवान क्षेत्र के गांव पड़िया में आम आदमी पार्टी की मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाध्यक्ष भूदेव सिंह जी एवं जिला प्रभारी संदीप सिंह, जिला सोशल मीडिया प्रभारी प्रेम सिंह यादव, विधानसभा प्रभारी दिनेश कुमार शर्मा की अध्यक्षता में मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग में सर्वसम्मति से सोमवीर सिंह यादव पत्रकार निवासी मोहम्मदपुर कुड़ई को विधानसभा अध्यक्ष मनोनीत किया गया एवं कार्यकारिणी गठित की गई। जिला अध्यक्ष भूदेव सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी आम जनता की पार्टी है और अरविंद केजरीवाल दिल्ली सरकार ने जो वादे जनता से किए वो पूरे कर दिए और गरीब जनता के लिए बिजली पानी इलाज अरविंद केजरीवाल के दिल्ली सरकार मुहैया कराए। दिल्ली मॉडल को लेकर आम आदमी पार्टी यूपी के चुनाव में अपने ईमानदार स्वच्छ छवि वाले प्रत्याशी उतारेगी और आगामी विधानसभा चुनाव यूपी में लड़ेगी। आम आदमी पार्टी की यूपी में सरकार आई तो शिक्षा, इलाज, बिजली, किसान को सिंचाई फ्री, अन्य सुविधा जैसे राशन, जाति प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस जैसी सुविधा घर बैठे उपलब्ध कराएगी और महंगाई पर लगाम लगाने का काम करेगी, भ्रष्टाचार का खात्मा करेगी। सन 2022 में आगामी चुनाव में जिलाध्यक्ष भूदेव सिंह ने कार्यकर्ता व जनता से आम आदमी पार्टी को सन 2022 सपोर्ट करने का आह्वान किया। इस मौके पर चौधरी हरनारायण सिंह यादव, रमेश चंद शर्मा, सिरसा खुद अहलकार यादव, धनी कश्यप, अमित गुप्ता, धर्मपुर टप्पा, सुशांत यादव, शिव नारायण यादव, सचिन, गौरव कुमार, हनीफ मालपुर तटेरा, शिव कुमार सक्सेना, उस्मानपुर हरपाल सिंह यादव, समसपुर कुबरी कर्म मिस्त्री भूदेव सिंह पडरिया, राम कुमार नरेश पाल सिंह यादव, समसपुर कुबरी आदि लोग मौजूद रहे। यूपी ईस्ट ब्यूरो चीफ सुमित कुमार यादव।